नमस्कार दोस्तों, मून्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वॉलनट चॉकलेट, वॉलनट ड्राई फ्रूट चॉकलेट बनाएंगे। उसको हम कैसे बनाएंगे वो हम दिखाते हैं आपको। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा और ये स्वास्थ्यवर्धक भी है चॉकलेट। आप अपने बच्चों को घर में बना के खिलाइए चॉकलेट। चलिए, इसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल फ्री है। चलिए अब हम बताते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा। ये है ब्लैक कंपाउंड चॉकलेट के लिए हमने लिया है, इसको रूम टेम्परेचर में रख दिया है। और ये है वॉलनट और ये है थोड़ा सा बादाम। इसको हम काट लेंगे और इसको हम तोड़ लेंगे, इसको भी हम काट लेंगे बारीक बारीक। इसको भर के, ये इसका सिलिकॉन मोल्ड है, इसी में हम बनाएंगे चॉकलेट। बारीक बारीक कर लिया है ये, एक ये लगभग एक कप है ये कंपाउंड जो है हमारा। डबल बॉयलर के मेथड से हम बनाएंगे चॉकलेट। चलिए अब हम डबल बॉयलर के लिए पानी उबलने रख दिए। हमने हाफ गंजी करीब चढ़ा दी है, भगोने में हाफ भगोना है ये पानी। ये हमारा पानी उबलेगा, फिर हम इसको रखेंगे कांच के बर्तन को इस पे, और फिर उसको कांच के बर्तन को रख के फिर इसमें हम चॉकलेट को घोल बनाएंगे और फिर उसको मोल्ड में डाल के बनाएंगे। हम इसको रखेंगे और थोड़ा सा आँच को धीमा करके और इसमें हम चॉकलेट को डालेंगे। हमारी चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई है और हम पानी अब आँच को हम धीमा कर देंगे। धीमा करने से क्या होगा, ये बॉइल्ड वाटर में जितना वो ताप रहेगा उसी से ये हमारा ये मेल्ट हो जाएगा। चॉकलेट बनाने से चॉकलेट अच्छी बनती है और बहुत क्या बोलते हैं, मुलायम बनती है चॉकलेट। अब माइक्रोवेव में करने से क्या होता है, कभी कभी माइक्रोवेव में कड़क हो जाती है चॉकलेट, कई बार ज़्यादा तेज आंच में हम कर देते हैं। तो डबल बॉयलर विधि जो है वो सबसे अच्छी विधि है और ऐसे ही हमें बनाना चाहिए। और जिसके घर में माइक्रोवेव नहीं है वो इस विधि से अच्छी चॉकलेट बना सकता है। अब हम बंद कर दिए आंच को पूरी तरह से। इसमें इतना गर्म है ये पानी हमारा कि इससे ही ये हमारा हो जाएगा। काट लिए हैं ड्राई फ्रूट्स को, इसको हम हल्का अभी भून लेते हैं। थोड़ा रोस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। सूखा पे हम हल्का इसको रोस्ट कर लेंगे। देखिए ये मेरा ऐसे हो गया ये। अब मेरे चॉकलेट बनने के लिए पूरी तैयार हो गया है। अब हम उसको मेवा को, ड्राई फ्रूट्स को हम सूखा भून के ड्राई भूंजेंगे, एकदम भूंज के फिर हम आपको बना के दिखाते हैं। लम्स नहीं पड़ना चाहिए, लम्स नहीं पड़ा है, एकदम मस्त हो गया ये। इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए, ये बन गया मेरा। अब मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ। थोड़ा ये डालेंगे, उसके बाद ऊपर से फ्रूट्स डालेंगे, बीच में फ्रूट डालेंगे, फिर इसको कवर करेंगे। अब इसमें हम फ्रूट्स ये डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स थोड़ा थोड़ा, फिर हम इसको कवर करेंगे ताकि बीच में आए अच्छे से। फ्रूट्स डाल के कवर ये पेस्ट डाल के, चॉकलेट पेस्ट डाल के हम इसको कवर कर देंगे और फिर हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से जम जाए। हम डाल दिए हैं और इसको हम फ्रिज में रखने जा रहे हैं। उसके बाद हम इसको कवर करके फ्रिज में और फिर हम आपको बनने के बाद दिखाते हैं। फ्रूट्स चॉकलेट बन के तैयार हो गई है, बहुत अच्छी बनी है, इतना शानदार ये बन के तैयार हो गया है। स्ट्रेट सेट भी बहुत अच्छा लग रहा है और दो तरह से हमने बनाई है, एक इस तरह से और एक इस तरह से बनाई है और बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। अब आप बनाइए, खाइए और मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अब आगे का वीडियो और हम आपको दिखाते रहेंगे, आप ऐसे मेरे हौसले को अफजाई करते रहेंगे।